Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 3, the fish and the duck, its exercises. Okay students, isme hai structures in context. Okay, question hai, short out all proper and common nouns from the lesson and write them in the table. Is table mein प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग अलग करके लिखना है. अब है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है और कॉमन नाउन, ठीक है, और ये जो है ये दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले होता है कि इसमें नाउन क्या है. नाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स होता है संज्ञा. संज्ञा मतलब नाम, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम. पर्सन मतलब है व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, एनिमल जानवरों के नाम, प्राणियों के नाम, उसे हम कहते हैं संज्ञा, नाउन. ओके, अब है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, जगह का नाम, या फिर महीने का नाम, नदी का नाम, दिनों के नाम, शहरों के नाम, ये सब क्या कहलाएंगे, लेकिन जो विशेष है तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि सुमित दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, रायपुर, है ना, जनवरी, थर्सडे, ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन. इसे हम प्रायः इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में होता है. ओके, तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएंगे लेसन के हिसाब से, इसमें एक, इसमें पहले आएगा सुमित. ठीक है, हम सुमित लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, नाम है और इसके बारे में ही बताया गया है. फिर है बाम्बी, ये भी क्या है, मछली का नाम है और फर्स्ट लेटर वैसे भी देखेंगे तो कैपिटल है. फिर है किंग सेल, किंग सेल भी इसमें बड़ा संघ, ये भी आएगा. ओके, इस तरह से एक और है, इसमें हम एक और लिख सकते हैं, मिस्टर डकी डक, ये भी क्या है, डक का नाम है, तो डकी डक. ओके बच्चों, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब है विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, इसका नाम, और ये यहाँ पर दिया हुआ है. ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम सेकंड में आते हैं कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन किसे कहेंगे. तो कॉमन नाउन का देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि द नेम्स बाय विच वी कॉल कॉमन थिंग्स, है ना, हम वस्तुओं को उसके साधारण नाम से पुकारते हैं. जैसे कि एनिमल बोल दिए, स्कूल विद्यालय बोल दिए, इंस्ट्रूमेंट उपकरण, तो ये क्या हो गए, मतलब इससे किसी विशेष उपकरण का नाम पता नहीं चल रहा है, या विशेष उस शाला का नाम, यह विशेष जानवर का नाम जो है पता नहीं चल रहा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन. ओके, अब इस लेसन में कॉमन नाउन के अंतर्गत जो आएंगे वो है फ्रेंड्स, फिशेस, इससे किसी विशेष मछली, मित्र, ऐसा जो है पता नहीं चल रहा है. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो है, लुक एट द एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स के आधार पे मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य बनाना है. ओके, ये है विस्मय बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी का मतलब. इसमें क्या होता है कि हमें इस तरह से एक ऐसे लाइन खींचना है और एक बिंदी डालना है, और ये क्या बन जाएगा, एक्स लास्ट में,
ना, हमें इस चिन्ह का उपयोग करना है जिससे ये विस्मयबोधक वाक्य में बदल जाएगा। ओके, अब हम एग्जांपल समझते हैं कि इसमें। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एग्जांपल है, आई एम वेरी अनलकी, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो वेरी है, वेरी जो है हट जाएगा, उसके बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाउ लिखेंगे। फिर जो अनलकी लिखा है उसे लिखेंगे। फिर हम ये आगे वाले में आ जाएंगे, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम लिखेंगे आई एम, और फिर ये निशान लगा देना है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है, जिससे ये क्या हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम वेरी अनलकी, फर्स्ट क्या करना है, वेरी को हटा के हाउ लिखेंगे और फर्स्ट लेटर को कैपिटल, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, वेरी के बदले हाउ, अनलकी जैसा है वैसा लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आई एम, फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है। तीन चीज करना है, वेरी के बदले, ठीक है, वेरी के बदले हमें क्या लिखना है, हाउ लिखना है, ओके, फिर अनलकी तक के लिखना है, उसके बाद आई एम को लिखेंगे, फिर ऐसा चिन्ह वहाँ पे लगा देना है। तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके ओके बच्चों, इसी तरह से हम सेंटेंस जो है ये सेकेंड वाला भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा है ही इज़ वेरी क्लेवर, ये लिखा हुआ रहेगा। अब हमें क्या करना है, वेरी के बदले हाउ लिखेंगे, क्लेवर लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर ही इज़ लिखा है इसे लिखेंगे। लेकिन अब ये ही इज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इस सेंटेंस में सबसे पहले है इसलिए कैपिटल लेटर में, लेकिन यहाँ पर जब हम बीच में लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो ही इज़ और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा देंगे। ओके, इस तरह से बन जाएगा। थर्ड है इसमें, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ए के बदले हम हाउ लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप लगा है इसलिए, फिर ब्यूटीफुल को लिखेंगे, पेंटिंग को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो दिस लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे। ओके, हाउ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। उसी तरह से अब इसे कैसे चेंज करेंगे, हाउ आर वेरी स्मार्ट। ओके, तो ये कैसे होगा, फुल स्टॉप के बाद हमें लिखना है हाउ, वेरी के बदले जो स्मार्ट लिखा हुआ है उसे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट में लिखा है दे, लेकिन यहाँ पर क्या है वो कैपिटल लेटर है, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर दे आर और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दें, तो ये बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो हाउ स्मार्ट दे आर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम ये वाला देख लेते हैं सेंटेंस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब हम क्या करना है, इसके आगे हमें पढ़ाना है, वेरी के बदले हम लिखेंगे हाउ, फिर जो स्ट्रॉन्ग लिखा है वो लिखेंगे, फिर क्या करना है, जो कैपिटल लेटर है उसे स्मॉल लेटर में लिखना है, जो बचा हुआ है उसे लिखेंगे दे आर और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। ओके, इसी तरह से द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ, वेरी के बदले में इंटरेस्टिंग लिखा है तो इसे लिखेंगे, जैसे लिखा है वहाँ तक। उसके बाद क्या लिखेंगे, द बुक, द का टी जो है स्मॉल लेटर हो जाएगा, द बुक इज़, और हमें क्या कर देना है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा देना। अब इसका मैं वन बाय वन हिंदी में क्या क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसका जो हिंदी मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम वेरी अनलकी, इसका भी मतलब है कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली, लेकिन जब हमने एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिया
तो इसे हम आश्चर्य से बोलेंगे, ठीक है, विस्मय से बोलेंगे, आश्चर्य से बोलेंगे। हाउ अनलकी आई एम, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। ओके, इसी तरह से ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। अब इसे हमें आश्चर्य से बोलना, हाउ क्लेवर ही इज़, वह कितना चतुर है। ओके, इसी तरह से दिस इज ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह बहुत ही सुंदर तस्वीर है। अब इसे हम कैसे बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, कितना सुंदर यह पेंटिंग है। ठीक है, इसी तरह से यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत चालाक हो। तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ स्मार्ट यू आर, वह कितना स्मार्ट है या चालाक है। इसी तरह से हमें दे आर वेरी स्ट्रांग, वे बहुत मजबूत हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ स्ट्रांग दे आर, कितना वह कितना मजबूत है। ओके, इसी तरह से लास्ट है द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह किताब बहुत रोचक है। इसका क्या हो जाएगा, हाउ इंटरेस्टिंग द बुक इज़, कितना रोचक किताब है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये थोड़ा विस्मय से बोलेंगे जब ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये फन टाइम का है, लेकिन एक और बाद में बताऊंगी, ये भी है। कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी विद दिस फोर वर्ड्स, हमें इन चार शब्दों का उपयोग करके इस फिलअप्स को कंप्लीट करना है। ये चार शब्द ही इस फिलअप्स में आएंगे। ओके, ट्री पेड़ मैंगो आम पैरोट तोता मंकी बंदर। अब इसे पढ़कर समझना जरूरी है। वन डे, एक दिन, ए एक, सा ए मतलब देखा है ना, इन ए, उसके बाद है ये ब्लैंक। तो हम क्या लिखेंगे, वन डे एक दिन, उसके बाद एक, यहाँ पर क्या आएगा, पैरट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पैरट। पैरट का मतलब क्या है, तोता। एक दिन एक तोते ने, सा मतलब देखा, किसे देखा, क्या चीज़ देखा उसने, मैंगो देखा। ठीक है, सा ए देखा है उसने मैंगो, और एक दिन हम बात कर रहे हैं इस स्टोरी में तोते के बारे में। फिर है इन ए, किस में देखेगा मैंगो को, किस में देखेगा, वो ट्री में देखेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इन ए के बाद क्या लिखेंगे, ट्री। क्लियर हो गया, वन डे ए पैरोट के बारे में बात हो रही है, और उसने सा देखा, फिर क्या, कहाँ देखा उसने, इन ए, किस में देखा, पेड़ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्री। ओके, सेकंड फिलप्स है इसमें, आगे आते हैं। यहाँ पर लिखा है द, फिर है फ्लू। अब कौन उड़ेगा, फ्लू का मतलब होता है उड़ना, फ्लू उड़ गया, कौन उड़ेगा, पैरट। मंकी तो उड़ नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्लू लिखा है इसलिए यहाँ पर आएगा पैरट। द पैरट टुवार्ड्स द, ठीक है। अब टुवार्ड्स मतलब के तरफ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तोता उड़ गया, किस तरफ उड़ेगा, वो मैंगो के तरफ उड़ेगा। तो इस टुवार्ड्स द है ना, किसकी ओर वो उड़ेगा, मैंगो, आम की तरफ। ओके, तो फ्लू लिखा है इसलिए हम पैरोट लिखेंगे, और किसकी तरफ वो उड़ के जा रहा है, मैंगो की तरफ। ओके क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड वाला फुल स्टॉप के बाद जो है, हीसा, उसने देखा। अब इस
तोते ने देखा, क्या देखा, यहाँ पर भी था लेकिन इन ए भी लिखा हुआ है तो वो पेड़ के बारे में भी है ना। तो यहाँ पर क्या देखा उसने, ए मंकी, हम क्या लिखेंगे, ए मंकी। तो उसने एक बंदर देखा। अब यहाँ पे बंदर की बात हो रही है, द के बाद फिर हमको क्या लिखना है, मंकी लिखना है। द मंकी सैड, उसने कहा टू द पैरट, मतलब टू मतलब किसे कहा उसने, पैरट से कहा। तोते ने किसे देखा, मंकी को देखा, उसके बाद मंकी ही किससे बात कर रहा है, तोते से। तो उस क्या कहता है, डोंट टच द मैंगो, आम को छूने से वह मना कर रहा है। बंदर ने तोते से कहा कि आम के फल को मत छूना, इट इज माइन, यह मेरा है, प्लीज लेट मी ईट, यहाँ पर है इट इज़ माइन, ओके यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी, है ना। द पैरट सेड, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो बंदर ने कहा कि क्या कहा बंदर ने तोते से, डोंट टच द मैंगो, इस आम को मत छूना, इट इज़ माइन, यह मेरा है। अब ये बंदर की बात हो गई है ना, अब तोता बात करेगा उससे। तो यहाँ पे द पैरट सैड, फिलप्स में क्या आ जाएगा, पैरट, और वो क्या करके बात कर रहा है, ब्रदर, ओके वो क्या बोल रहा है, ब्रदर भाई। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़, एक वर्ड हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लीज़ हमको लिखना पड़ेगा, ओके बच्चों। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ब्रदर के बाद हमें प्लीज़ यहाँ पे लिखना है, ब्रदर प्लीज़ आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ये वाले में हम क्या लिखेंगे, प्लीज़, ओके आश्चर्य से बोल रहा है वो, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ लेट मी ईट हाफ ऑफ द, हाफ किसे आधे करने की बात हो, किसे करेगा, जो तोता है वो आधे किस चीज़ को, हाफ का मतलब होता है आधा, तो क्या चीज़ को आधा करने के लिए बोलेगा वो, मैंगो को। तो इस फिलप्स में क्या आ जाएगा, मैंगो, ओके हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ तक आ गया समझ में। तोते ने क्या कहा, ब्रदर प्लीज़ आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़ लेट मी ईट हाफ ऑफ द मैंगो, मुझे आधे आम खाने दो। अब हम नेक्स्ट में आते हैं बच्चों, यहाँ पर एग्रीट कौन हो रहा है, मंकी हो रहा है, इस फिलप्स में क्या आएगा, मंकी आएगा। टुगेदर दे एट द, दोनों साथ में, एट का मतलब होता है खाना, है ना। तो दोनों ने क्या किया, किसे खाया, मैंगो को खाया, ओके। अब है दस, मतलब इस प्रकार, द एंड द, समझौता किसने किया, मंकी ने किया। तो हम सबसे पहले मंकी लिखेंगे, द के बाद यहाँ पर क्या आएगा, मंकी एंड द पैरट, ओके। इस प्रकार बंदर और तोता दोनों दोस्त बन गए, फ्रेंड्स मतलब दोस्त बन गए। तो यहाँ पर वाले में आएगा मंकी, ओके, और इस फिलप्स में आएगा पैरट। तो इस तरह से ये जो चार वर्ड्स हैं, सिर्फ एक ही जगह पे प्लीज़ वर्ड का उपयोग हुआ है, बाकी इन्हीं फोर वर्ड्स का उपयोग करके यह स्टोरी जो है बनी हुई है। अब इसे एक बार मैं फिर से रीड करके समझा देती हूँ, ओके। वन डे, एक दिन, ए पैरट, एक तोते, सा देखा, ए क्या देखेगा, मैंगो, इन ए किस में देखा, ट्री में, मैंगो कहाँ देखेगा, ट्री में, ओके। अब है द ब्लैंक फ्लू, फ्लू का मतलब होता है उड़ना,
कौन उड़ सकता है? पैरट। द पैरट फ्लू, इस फिलप्स में आएगा पैरट। टुवार्ड्स, किसकी तरफ उड़ेगा वो? मैंगो की तरफ उड़ेगा, तो हम इस फिलप्स में लिखेंगे मैंगो। द पैरट फ्लू टुवार्ड्स द मैंगो, पैरट आम की तरफ उड़ा। ही सा, उसने देखा, क्या देखा उसने? ए मंकी। अब पैरट जैसे ही उड़ के आम के पास गया तो उसने क्या देखा? ए मंकी, इस फिलप्स में लिखेंगे ए मंकी। फिर है, अब मंकी कहेगा, अब इस फिलप्स में आएगा, हम फिर से मंकी लिखेंगे। द के बाद मंकी सेड, बंदर ने कहा। टू द, किससे कहा? पैरट से कहा, इस फिलप्स में क्या आएगा? पैरट। द मंकी सेड टू द पैरट, पैरट से कहा डोंट टच द मैंगो। ओके, डोंट टच द मैंगो, इस आम को मत छूना, इट इज़ माइन, यह मेरा है। उसके बाद ये सब मंकी ने कहा। अब पैरट की बारी, तो यहाँ पे है द सैड, सैड है ना, तो अब कौन कह रहा है? पैरट कहेगा, इस फिलप्स में कौन कहेगा? पैरट। द पैरट सैड, तोते ने कहा। ब्रदर, अब वो अच्छे से बात कर रहा है उससे, तो बोल रहा है भाई। प्लीज़, अब यहाँ पे खाली जो जगह है इसी में बस एक न्यू वर्ड्स आया है, वो है प्लीज़, है ना। अब हमें जब किसी से मांगना होता है कोई भी चीज़, तो हम प्लीज़ कहते ही है ना, और इसमें क्या लग जाएगा? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। ब्रदर प्लीज़, कृपया, भाई कृपया। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। प्लीज़ लेट मी ईट, कृपया मुझे ईट खाने दो। हाफ ऑफ द, ईट उसे खाना है, क्या खाना है? वो किस चीज़ को खाएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा इस फिलप्स में? मैंगो, इस फिलप्स में क्या आएगा? मैंगो। हाफ ईट, उसे जो है मुझे आधे आम खाने दो, ऐसा कौन कहता है? तोता। ओके, फिर है द एग्रीड, एग्रीड मतलब कौन मंजूर होगा, किसने समझौता किया? एग्रीड मतलब वो मंजूर हो गया, कौन? मंकी, इस फिलप्स में क्या आएगा? मंकी। द मंकी एग्रीड, और मंकी जो है राजी हो जाता है। फिर टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों एक साथ। दे एट, एट का मतलब होता है खाना, वो क्या किस चीज़ को खाएंगे? मैंगो को, तो इस फिलप्स में क्या आ जाएगा? मैंगो। टुगेदर दे एट द मैंगो। दस, इस प्रकार से। द मंकी, इस फिलप्स में लास्ट वाले में आएगा मंकी, एंड द पैरट। अब दोस्त कौन कौन बनेंगे जिनके बीच में समझौता हुआ है, जैसे कि द मंकी एंड द पैरट, है ना, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा कि दोस्ती हो जाएगी, और दोनों के बीच में इस तरह से दोस्ती हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चे, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फन टाइम का, है ना, बी वाला हमने कर लिया था, ये ए है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट एक्टिविटीज़ यू सी इन इट, इसमें जो जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पहला नंबर डाल के, इन दिस पिक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस पिक्चर ए बलून मैन, ए बलून मैन, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख रही हूँ, सेल्स हिज बलून, वह क्या कर रहा है? इस चित्र में एक गुब्बारे वाला है जो कि अपने गुब्बारे को, एक मिनट, वो अपने गुब्बारे को क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है। तो बलून्स, एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे को बेच रहा है। इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? ए फ्रूट सेलर, ओके, इन दिस पिक्चर, हाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस पिक्चर
इस चित्र में इन दिस पिक्चर ए फ्रूट सेलर, फल वाला जो है फ्रूट सेलर सेल्स, नीचे लिख रही हूँ सेल्स हीज फ्रूट्स, जैसे हमने बलून मैन का लिखा था सेम वैसे ही हम फ्रूट सेलर का भी लिखेंगे। तो इन दिस पिक्चर ए फ्रूट सेलर सेल्स हीज फ्रूट्स, वो अपने फलों को बेच रहा है, यहाँ पे बेचता है। ओके, अब थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस पिक्चर, देखो यहाँ पे एक वृद्ध महिला दिखाई दे रही है, तो हम लिखेंगे इन दिस पिक्चर। ओके, यहाँ पे है ये पिक्चर लिखा हुआ है, बस ये स्पेलिंग है। इन दिस पिक्चर ए एन ओल्ड, ओल्ड मतलब यहाँ पे ओ क्या है वावेल से, इसलिए एन लगा हुआ है ना, और एक जो बूढ़ी औरत है वो एक है यहाँ पे, इसलिए एन ओल्ड वूमेन, वृद्ध महिला स्टैंडिंग, क्या कर रही है वो स्टैंडिंग, खड़ी हुई है स्टैंडिंग नियर हर डोर, अपने दरवाजे के पास वो खड़ी है। ठीक है, अपने दरवाजे के पास वो क्या है, खड़ी हुई है, नियर हर डोर, अपने दरवाजे के पास खड़ी है। ओके, इसी तरह से हम फोर्थ, ओके बच्चों इसमें फोर्थ आएगा, इन दिस पिक्चर एक काऊ एक गाय सिट बैठी हुई है वो ओके सिट नियर द बलून मैन, बलून मैन के पास सिट नियर द बलून मैन। बलून मैन के पास वो बैठी हुई है। ओके, इसी तरह से हम फिफ्थ लिख सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे फिफ्थ है, इन दिस पिक्चर टू डॉग्स स्टैंडिंग खड़े हैं, किसके पास, नियर द फ्रूट सेलर, द फ्रूट FRUIT फ्रूट सेलर, जो फल बेचने वाला है उसके पास खड़े हुए हैं। इस तरह से हम इस चित्र को देख के लिख सकते हैं। ओके ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है एक्टिविटी है ये वर्ड चैन बनाना है। इसमें क्या करना है हमें कि जो नाउन है, मतलब नाउन में प्रॉपर नाउन का हमें यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन का मैंने क्या बताया था कि विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान जगह का नाम है ना, जैसे महीने के नाम दिनों के नाम, इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके बदले हमें कॉमन नाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति जगह के बारे में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वह सामान्य या हम साधारण नाम से उसे जानते हैं। जैसे यहाँ पे
मैन है तो फिर आदमी है ना, और यहाँ से फिर क्या हुआ, एन से स्टार्ट हो गया तो नेट जाल, टी से हो गया टाइम, फिर ई से ईयर कान हो गया है ना, ये सब नाम नहीं है, फिर आर से हो गया रोड, फिर डी से हो गया डाउन नीचे, और उसके बाद एन से हो गया नॉर्थ। अब हमें एच के आगे बढ़ाना है, तो एच के आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे एच लिखा हुआ है तो हम ए टी कर सकते हैं, हैट, ठीक है। अब हमें टी से बनाना है तो हम टी से और क्या बना सकते हैं, टाउन बना सकते हैं, टी ओ डब्ल्यू एन, टाउन हो गया। अब हमें एन से बनाना है तो हम बना सकते हैं नियर, है ना, ई ए आर कैपिटल में आएगा यहाँ पे, एन ई ए आर नियर। फिर आर आ गया तो हम आर से क्या बना सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, आर ओ एस ई, इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरह ये आपका जो है कंप्लीट हो गया लेसन 3। ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।